और सीधे चलते हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है। लगातार 24 घंटे तक बिजली का आई, बड़ी परेशानी लोगों को सामना करना पड़ा। हमने कहा कि परेशानी का हम पूरी तरह से इसका समाधान करेंगे और आज मुझे खुशी है कि यहाँ पर अभी भी यहाँ आने से पहले अधिकतर अभियंता उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका 132 केवी का सब स्टेशन का भी आज यहाँ पर शिलान्यास हो गया और इसका शिलान्यास होने से यह जब बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या जनकपुर के लोगों को कोई लाभ नहीं होगा, जनकपुर के साथ साथ भरसा के लोगों को भी लाभ होगा, चंपावत के लोगों को भी लाभ होगा, हमारे भट्टी यहाँ पर से अमोरी वालों का भी लाभ होगा और इधर जगतपुर और खटीमा और सिकारगंज तक के लोगों को इस अधिकतर अभियंता कार्यालय से जिन जनकपुर के लोगों को अभी बनबसा के लोगों को कुछ कामों के लिए पिथौरागढ़ जाना पड़ता था अब उसको पिथौरागढ़ नहीं जाना पड़ेगा। 1,22,000 लोगों को सीधे सीधे इस पावर स्टेशन के इस मंडल के स्थापित हो जाने से अधिकतर अभियंता के कार्यालय का यहाँ पर जब बनकर काम तैयार हो जाएगा तो 1,22,000 लोगों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलने वाला है। भाइयों बहनों एक बड़ा काम हम यहाँ पर और भी करने वाले हैं, निकट भविष्य में बहुत सारे कामों का जो हमने शिलान्यास किया है हमारा प्रयास है, चाहे पार्किंग का काम हो, चाहे हमारी सड़कों के काम हो, चाहे शहर के अंदर स्मार्ट सिटी का काम, स्मार्ट सिटी का भी बड़ा काम जल्दी वहां भी काम शुरू होने वाला है। एक एक करके सारे काम धरातल पर उतार रहे हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारा संकल्प है कि हमारा जनपद चंपावत या तो आदर्श चंपावत बनेगा ही बनेगा, आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का नाम उसको जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे और आप सबके सहयोग से लगातार अनेकों कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप सब देख रहे होंगे बहुत सारे कामों के यहाँ पर शिलान्यास भी हो रहे हैं, वो काम पूरे भी हो रहे हैं, धीरे धीरे जो घोषणाएं हुई थी वो भी सब धरातल पर आ रही है। आने वाले समय में आप तय मानिए कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो केदारनाथ धाम से और हमारे अभी आए हुए पिथौरागढ़ से पिछले दिनों उन्होंने कहा कि ये जो 21वीं सदी चल रही है इस 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और आप निश्चित मानिए इस प्रकार से आज उत्तराखंड तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड आज देश और दुनिया के नक्शे में आज चमकता हुआ रूप को दिखाई दे रहा है। और चंपावत से अभी आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लाइव सुन रहे थे।